सोलन के शूलनी मेले में कलाकारों की प्रस्तुति को लेकर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दर्शकों को जहां एक ओर कलाकारों की प्रस्तुतियां बेहद पसंद आ रही हैं, वहीं कुछ दर्शक कलाकारों की प्रस्तुति से आहत भी नजर आए। उनका मानना है कि हजारों दर्शकों के बीच कलाकार को अपने गीतों का चयन ठीक से करना चाहिए और ऐसे गानों को नहीं गाना चाहिए जिससे युवाओं पर गलत असर पड़े और वे अपनी राह भटक जाएं। कलाकारों के प्रति अपनी राय देते हुए दर्शकों ने कहा कि बड़े कलाकार युवाओं के मार्गदर्शक होते हैं और जो वे कहते हैं वे उसी राह पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ है तो वहीं राज्य स्तरीय मेले में हजारों दर्शकों के बीच अगर गायक नशे के गाने गाए तो इससे युवा का पथ भ्रष्ट होगा, इसलिए गायकों को जिन्हें युवा अपना आइडल मानते हैं उन्हें सोच समझ कर अपने गीतों का चयन करना चाहिए। वहीं युवती ने कहा कि वे अपने प्रदेश के गायकों को सुनकर बेहद खुश हैं और प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अच्छे काम किए हैं। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शूलनी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक अनु शर्मा और युवाओं के दिलों की धड़कन हंसराज रघुवंशी ने अपने दिलकश प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया और सभी को नाचने पर मजबूर भी किया। इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने शूलनी मेले पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गांवों में शिल्पकारी खत्म हो रही है, उसे फिर से संजोने के लिए हिमाचल सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि हिमाचल का कामगार हिमाचल में रहे और गांव का पैसा गांव में रहे, जिससे स्किल भी बढ़ेगा और उसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में भी विशेष प्रावधान किया है। ठोडो मैदान में शूलनी मेला धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि पारंपरिक खेल ठोडा, जिसके नाम पर इस मैदान को ठोडो पड़ा है, इस खेल को युवा पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें इस खेल के बारे में अवगत करवाना और इसके महत्व को समझाने के लिए इस खेल का आयोजन भी किया गया। इस खेल को आरंभ करने से पहले ठोडा खेलने वाली टीम ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाच गाते हुए शहर का भ्रमण भी किया। लोग भी इस खेल को देखने के लिए काफी संख्या में मौजूद रहे। अधिक जानकारी देते हुए खादी ग्राम बोर्ड के चेयरमैन पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि यह ठोडा खेल बेहद पुराना है और बताया जाता है कि यह खेल कौरवों और पांडवों के बीच खेला जाता था और इस खेल के नाम पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान का नाम पड़ा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग और जिला प्रशासन इस पारंपरिक खेल को जिंदा रखे हुए हैं, जो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि इस खेल में गायन, वादन और शौर्य का समावेश होता है, जो कि बेहद दिलचस्प है।